हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में। कल भी हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, आज हम उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन कलेक्शन है जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप इसको जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इसको अच्छे से ही रीड करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपके आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग उसी में कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन तो उसमें पूछा गया है कि मतलब मियोसिस शब्द को किसने गढ़ा, मतलब क्वेश्चंस पूछा गया है कि मियोसिस शब्द किसने गढ़ा था। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, वैन ब्यूरिन और हर्टविग, बी है बोवेरी और स्टुका, सी है बोल्ले और हाफ मिस्टर, और डी है किसान और मूरे। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसान और मूरे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है अर्धसूत्री विभाजन और माइटोटिक विभाजन में क्रोमेटिड्स का जमाव कहाँ होता है, मतलब ये कहाँ पे इसका जमाव होता है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए दोनों में पेल्टोनेमिक, बी है दोनों में पैरानेमिक, सी है माइटोसिस में पैरानेमिक और अर्धसूत्री विभाजन में पेल्टोनेमिक, या डी पूछ रहा है कि माइटोसिस में पेल्टोनेमिक और अर्धसूत्री विभाजन में पैरानेमिक। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, माइटोसिस में पेल्टोनोमिक और अर्धसूत्री विभाजन में पैरानेमिक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्या कह रहा है, जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दौरान क्रोमैटिन के संघनन में वृद्धि होती है तो क्या होता है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, हेटरोक्रोमैटिन बढ़ता है, यूरोक्रोमैटिन बढ़ता है, यूरोक्रोमैटिन और हेटरोक्रोमैटिन का विभेदन कम होता है, या यूक्रोमैटिन और हेटरोक्रोमैटिन का विभेदन बढ़ता है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूक्रोमैटिन और हेटरोक्रोमैटिन का विभेदन कम होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुण सूत्रों का संघनन में देखा जाता है डॉट डॉट, मतलब गुण सूत्रों का जब संघनन होता है तो उसमें क्या होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन है ए प्रोफेज फर्स्ट, बी है एनाफेज फर्स्ट, सी है मेटाफेज फर्स्ट, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेज फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। आपको उम्मीद है आपको ऐसे ही क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे जो कि आपको एग्जाम के अपनी दृष्टि से यूजफुल भी लग रहे होंगे, तो आप इसको आगे देखते रहिए और हमें अच्छा लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु डीएनए यह डॉट 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 चरण में प्रतिकृति बनाता है, किस चरण में अपनी भूमिका निभाता है परमाणु डीएनए। इसमें हम ऑप्शंस देते हैं, G2 चरण, M चरण, S चरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, S चरण में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला कह रहा है कि कोशिका विभाजन का एक रूप है जिसके परिणाम स्वरूप युग्मक या यौन कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिका विभाजन के किस भाग में कब ऐसा होता है जब युग्मक या यौन कोशिकाओं का निर्माण, युग्मक मतलब जाइगोट या बेबी का निर्माण कब होता है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस देते हैं, माइटोसिस में, मियोसिस जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, या मायोसिस है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा कह रहा है कि डॉट डॉट कोशिका
कोशिका चक्र के जीटू चरण में गुणसूत्रों में डीएनए की संख्या है, मतलब जब हमारा जीटू चरण आता है, जीटू फेज आता है, तो उसमें डीएनए की संख्या कितनी होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें मतलब गुणसूत्रों या डीएनए की संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा कह रहा है कि वह चरण जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड के बीच जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता है। कौन सी ऐसी कड़ी है जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड को जोड़ता है? तो इसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इंटरफेज 2, इंटरफेज फर्स्ट, इंटरकाइनेसिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरकाइनेसिस। इसमें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा पूछ रहा है कि फिर से डॉट डॉट अवस्था का अर्थ है कोशिका चक्र से कोशिकाओं का बाहर निकलना। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें कोशिका चक्र से कोशिकाएं बाहर निकलती हैं? इसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, यस, G1, G2 या G0। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, G0 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा पूछ रहा है कि सिनेप्सिस को फिर से डॉट डॉट की जोड़ी के रूप में परिभाषित किया गया है। सिनेप्सिस को कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और तो इसमें हमारे ऑप्शंस है, एसेंट्रिक क्रोमोसोम, बी है गैर समरूप क्रोमोसोम, सी है कोई भी क्रोमोसोम या डी है सजातीय क्रोमोसोम। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सजातीय क्रोमोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला हमारा कह रहा है कि माइटोसिस में देखा जा सकता है, क्या चीज माइटोसिस में देखा जा सकता है? जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो उसको हम उसमें क्या क्या हमें दिख सकता है? तो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, पॉलीप्लॉइड व्यक्तिगत, डिप्लॉइड व्यक्तिगत या हैप्लॉइड व्यक्तिगत। इसमें डी है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगला हमारा कह रहा है कि धुरी तंत्र का निर्माण माइटोसिस के, मतलब फिर उस वही हमारा पूछा है किस चरण के दौरान होता है? इसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, टेलोफेज, बी है मेटाफेज, सी है प्रोफेज या डी है एनाफेज। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटाफेज। यही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो माइटोसिस के दौरान होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला कह रहा है कि साइक्लिन से जुड़ा है, साइक्लिन किससे जुड़ा होता है? लेप्टोस्पायरोसिस, ग्लाइकोलिसिस, साइलोसिस या माइटोसिस। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हम अगला देखते हैं। अगला हमारा पूछ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति डाइकाइनेसिस देखना चाहता है तो इनमें से कौन सा होगा, किसमें हम अच्छे से डाइकाइनेसिस देख सकते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, बाल, पत्ती, प्याज की जड़ या फूल की कली। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूल की कली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि गुणसूत्र संरचना को फिर उसमें के दौरान सबसे अच्छा देखा जा सकता है, किस फेज में हम गुणसूत्र संरचना को बहुत अच्छे से देख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप? इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटाफेज। तो आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा पूछ रहा है कि गुणसूत्रों का वह विभाजन जिसमें केंद्रक का विभाजन नहीं होता है और बहुत सारे गुणसूत्र बनते हैं, केंद्रक का विभाजन भी नहीं होता और बहुत सारे गुणसूत्र बनते हैं। इसमें हमारे ऑप्शंस देखते हैं, ए माइटोसिस, एंडोमाइटोसिस, द्विगुणन या कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडो माइटोसिस। इसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन भी नहीं होता और बहुत सारे गुणसूत्र का निर्माण होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा पूछ रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, ऑप्शंस देखते हैं, केवल अगुणित जीवों में, केवल द्विगुणित जीवों में, अगुणित एवं द्विगुणित दोनों में, या डी उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो इसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन में हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा केवल द्विगुणित जीवों में, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन की वह विधि है जिसमें क्या होता है, हमारे ऑप्शंस हैं, जिससे जीवों के आकार में वृद्धि होती है, बी है जो कायिक एवं जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, सी है जिसमें दो समान कोशिकाएं बनती हैं, या डी है जो जाति या स्पीशीज की गुणसूत्र संख्या को स्थिर बनाए रखती है। तो अर्धसूत्री विभाजन वह प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो जाति की गुणसूत्र संख्या को स्थिर बनाए रखती है, मतलब जब भी नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब वो पेरेंट्स के उसके लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने में मदद करती है अर्धसूत्री विभाजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है, चलिए ऑप्शंस इसमें हमारे दिए गए हैं, जी अवस्था, एस अवस्था, मेटाफेज या जी टू अवस्था, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यस अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा कह रहा है कि एक पौधे की गुणसूत्र संख्या 2n=20 है, इसके मूल रोम में कितने गुणसूत्र होंगे, चलिए तो हमारा ऑप्शन है 10, 40, 20, 30, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विभाजन में गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है, कौन सा ऐसा विभाजन है जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी रह जाती है, ऑप्शन बाइनरी फ्यूजन, अर्धसूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस या समसूत्री विभाजन, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंडोमाइटोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्या कह रहा है कि सिनेप्सिस होता है, सिनेप्सिस किस में होता है, अर्धसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में, एमाइटोसिस में या किसी में नहीं, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धसूत्री विभाजन में सिनेप्सिस प्रोसेस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला हमारा पूछ रहा है कि समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है, गुणसूत्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणसूत्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि समसूत्री विभाजन की वह अवस्था जिसमें गुणसूत्र पृथक होकर दोनों ध्रुवों की ओर जाते हैं, कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है, तो ऑप्शंस हमारे दिए गए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी एनाफेज। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला हमारा कह रहा है कि गुणसूत्र लंबे धागे के समान दिखाई देते हैं, किस प्रोसेस में गुणसूत्र एक लंबे धागे के समान दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन या डिप्लोटीन, इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेप्टोटीन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला हमारा कह रहा है कि एक मूल शीर्ष या रूट टिप की कोशिका में 128 कोशिका बनाने के लिए कितने विभाजन होने चाहिए, ऑप्शंस हमारे 128, 127, 64 या 321, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 127। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम विभाजन होता है,
इसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन है हमारे समकारी, न्यूनकारी, होपोटिपिक या कोई नहीं। इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, न्यूनकारी। इसका प्रथम विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम विभाजन क्या होता है, न्यूनकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा कह रहा है कि समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र विषुवत रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ऑप्शन हमारे हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मेटाफेज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला हमारा कह रहा है कि सेंट्रोमियर विभाजित नहीं होता। ऑप्शंस है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में, एमाइटोसिस में या उपरोक्त सभी में। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो पूछ रहा है कि स्पिंडल फाइबर पर जुड़ते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं गुणसूत्र का टेलोमर, गुणसूत्र का काइनेटोकोर, गुणसूत्र का सेंट्रोमियर या गुणसूत्र का काइनेटोसोम। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा गुणसूत्र का काइनेटोकोर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला पूछ रहा है संतति कोशिकाओं में सेंट्रियोल जोड़े वितरित करने की क्रियाविधि कहलाती है, क्या कहलाती है, समतामूलक विभाजन, हैप्लोइडिक डिवीजन, सूक्ष्म प्रभाग या न्यूनीकरण विभाजन। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सूक्ष्म प्रभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन का कौन सा महत्व नहीं है। तो इसमें हमें क्या नहीं बताना है, इसमें हमें बताना है कि इसका कौन सा महत्व नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देते हैं बीजाणुओं और युग्मकों का निर्माण, बी है जीन का नया पुनर्संयोजन, सी है गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है या डी है गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह गई। इसमें ऑप्शन हमारा क्या है, जो हमारा महत्व इसका नहीं है क्या, गुणसूत्रों की संख्या समान रहना, ये हमारे अर्धसूत्री विभाजन का महत्व नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि बहुकेंद्रीय स्थिति तब उत्पन्न होती है जब साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस का पालन नहीं करता है। इस प्रकार की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ए है होलोटाइप, बी है कोइनोसाइट, सी है प्रोटोटाइप या डी है अनइनुलेट। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोइनोसाइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला कह रहा है कि पशु कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस केंद्राभिमुख रूप से खांचे को गहरा करने और दो संतति कोशिकाओं के निर्माण से होता है, इस विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, क्लीवेज साइटोकाइनेसिस, सी है सेल प्लेट गठन या डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लीवेज साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन देखा जाता है। ऑप्शंस है अगुणित दैहिक कोशिकाएं, बी है डिप्लॉयड कोशिकाएं, सी है द्विगुणित दैहिक कोशिकाएं या डी है अगुणित कोशिकाएं। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, द्विगुणित दैहिक कोशिकाएं। तो ये हमारा आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपको इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कलेक्शन आपको देते रहेंगे, आपको इससे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।